ऐसी कुछ फिल्में होती हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होती हैं, और ऐसी कुछ फिल्में होती हैं जिन जिन जिनको जाके लोगों के साथ एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस फिल्म में मैंने जो किरदार निभाया है रावल रतन सिंह का, वो मैंने ये रोल लोगों के लिए ही किया है, बिकॉज इस फिल्म के अंदर जो हिंदुस्तान की डायनेस्टी थी, जो चित्तौड़ की डायनेस्टी थी, महारावल रतन सिंह ऐसे कैरेक्टर है जिनके बारे में बहुत कम जानते हैं लोग, और मैं चाहता था कि हमारी देश की जनता जो है वो उनके सैक्रिफाइस के बारे में जाने। उनके सामने इतनी बड़ी एक आर्मी थी जो उनसे 10 गुना ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो डटे रहे, उन्होंने कहीं अपना साहस नहीं खोया, और उन्होंने अपनी बीवी को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। अब फिल्म रिलीज़ होगी तो मैं बोल सकता हूँ। तो यस, कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। शायद 3 दिन गुजर चुके हैं, अगर हम पेड प्रीव्यू की बात अलग करें, 86 करोड़ कलेक्शन, इज इट सेटिस्फाइंग फॉर यू? इट्स ओवरवेलमिंग। आई थिंक अभी भी कई ऐसे हिस्से हैं देश के, बड़े बड़े स्टेट्स हैं जहाँ पर ठीक से फिल्म नहीं शुरुआत ले पाई है, और उसके बावजूद स्पेशली पहले 1-2 दिन थे तब लोगों में बहुत डर था, यू नो, काफ़ी लोग थिएटर नहीं जा रहे थे, इसलिए अगर आप देखें जो पहले दिन फिल्म ने जितनी कलेक्शंस की उसके हिसाब से जब दूसरे दिन फिल्म ने पिकअप किया तो इट वेंट अप टू 32 करोड़, विच इज़ अमेजिंग, इट्स अ ह्यूज नंबर। और बस यही मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म सब लोगों तक पहुँच पाए। अब ऑडियंस ये फिल्म देख चुकी है और ऑडियंस का वर्डिक्ट बाहर आ चुका है, जनता का वर्डिक्ट बाहर आ चुका है, सब लोग बाहर आकर ये कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन फिल्म है, और इससे ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन हमारे राजपूत कम्युनिटी के लिए, चित्तौड़ और मेवाड़ की डायनेस्टी के लिए, और हिंदुस्तान के लोगों के लिए, इससे ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन शायद मुश्किल है। शायद दो चीज़ें, एक तो ये कि इंडस्ट्री से, कि आपके जो सहयोगी हैं उनकी तरफ से आपको क्या क्या बातें कही गई हैं या क्या क्या रिएक्शन आया, अगर आप हमें? बहुत 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 ज़्यादा प्यार मिला है मुझे, यू नो, बड़े सारे लोग हैं एक्चुअली। जब हम यशराज में स्क्रीनिंग कर रहे थे तो रेखा मैम आई थी वहाँ पे, वहीदा जी आई थी, बिकॉज संजय सर ने काफ़ी सारे लोगों को बुलाया था, श्री मैम वॉज देयर, बोनी जी वॉज देयर, इम्तियाज़ वॉज देयर, हु आई एम डूइंग अ फिल्म विद, बहुत सारे लोग थे, और सभी ने बहुत प्यार दिया और बहुत दिल से प्यार दिया, बिकॉज आई थिंक हम सब इसीलिए इस इंडस्ट्री में, यू नो, टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रेट फिल्म्स, जो आपको कहीं आपके मन में कहीं एक जगह बना ले। तो मुझे बहुत बहुत ही सुकून महसूस हुआ, बिकॉज़ फिल्म रिलीज़ होने से पहले मैं बहुत नर्वस था, मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ उनके प्यार से, उनकी अप्रिसिएशन से, और उन सब ने मुझसे कहा कि यू नो, तुम्हारा रोल इतना अंडरस्टेटेड था और इतना अंडरप्लेड था, एंड यू नो, आई फेल्ट वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था कि मैं करूँ फिल्म या ना करूँ, लोग कैसे परसीव करेंगे, बट जब इतना प्यार मिल रहा है, यू नो, तो मेरे लिए दिस इज यू नो, महारावल रतन सिंह डिजर्व दिस। थोड़ा सा अगर आपको, लाइक यू हैव बीन ऑलवेज ओपन टू ऑल द क्वेश्चंस, डिड यू फाइंड ऑल द, कहीं मतलब कुछ ऐसा, कहीं किसी से अनप्रेजेंट सा कुछ लगा, वैसे प्रोबेबली स्वरा की तरफ से, लाइक देयर हैज बीन सम? हां, मुझे पता चला कि कुछ ऐसा स्वरा ने लेटर लिखा, मैंने ऑनेस्टली पढ़ा नहीं है, बिकॉज आई थिंक काफी लंबा भी है लेटर, और फिलहाल हम लोग काफी बिजी हैं बाकी चीजों में, मुझे पता नहीं उनका क्या इशू है या क्या है, उनका जो भी इशू है संजय सर से है, बट ये वो वक्त नहीं है, यू नो, मतलब पद्मावत जो है वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सप्रेस कर रही है, को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये बड़ी मुश्किल लड़ाई रही है इस फिल्म को लोगों तक पहुंचा पाना, और ऐसे वक्त पे आई थिंक पूरी फिल्म इंडस्ट्री ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लगता है, हमारे साथ है, तो इट्स अ लिटिल ऑड कि कोई ऐसा अपने पर्सनल लेवल पे कुछ लिख रहा है, बट एवरीबॉडी हैज अ राइट टू से व्हाट दे वांट, बट आई हैव नॉट रेड दैट लेटर। नेक्स्ट नेक्स्ट, बहुत बहुत गलत बात है, इसमें कहने की क्या बात है, इट द होल कंट्री सीइंग इट इज अ शेमफुल एक्ट। लास्ट चीज, आने वाले दिन आपके लिए बहुत शुभ, हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आने वाले 2-3 दिन में और कहां मिलेंगे आप हमें, और किस तरह से मुझे अब आपको सरप्राइज करने का मौका तो दीजिए, अभी मैं पहली बार हाँ जी, मैं ये चीजें मेरी बीवी डिसाइड करती हैं, क्योंकि ये सब वही ऑर्गेनाइज करती हैं, तो अगर उनका मूड हुआ तो वो जरूर सक्सेस पार्टी देंगी, और आप सब लोग इन्वाइटेड होंगे, बट ये मेरा डिसीजन नहीं है, बट जरूर है, वी विल सेलिब्रेट इन समथिंग, बिकॉज़ इट्स वेरी, घर पे होना तो गेट के अंदर ले लीजिएगा, मैं अंदर नहीं आई हम बेटी, क्योंकि बाहर बहुत, सर आप तो यहाँ बैठते हो मैं हमारे सर पे पूरे टाइम, आपसे ज्यादा सवाल तो मेरे मम्मी पापा ने भी नहीं पूछे थे मुझसे।
जी उसकी शूटिंग अगले 10 दिन में उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। हम लोग ऑलरेडी 32 मीटर चालू की रीडिंग्स करना शुरू कर चुके हैं। उत्तराखंड में फिल्म बेस्ड है, इसलिए उसका एक सर्टन एक्सेंट है, डायलेक्ट है, एक छोटे से शहर की कहानी है। तो एक राजा से एक बहुत ही सिंपल से लॉयर का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, और उसमें मैं हूँ, श्रद्धा कपूर हैं, और यामी गौतम हैं, और कई बाकी कलाकार भी हैं। श्री नारायण सिंह ने फिल्म इससे पहले बनाई थी टॉयलेट, जो यू नो शौचालय के इशू को लेके थी, घर के अंदर कई जगहों पे नहीं है, औरतों के लिए मुश्किल होती है। इस बार उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का इशू चूज़ किया है, तो बहुत ही कॉमन मैन के लिए बहुत ही रिलेटेबल फिल्म है, बहुत ही रिलेटेबल सब्जेक्ट है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दैट फिल्म। नाउ दैट पद्मावत इज रिलीज्ड, अब मेरे सिस्टम से वो धीरे धीरे बाहर जा चुकी है और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब तक मैं अटका हुआ था। मुझे भी लास्ट मिनट पर स्क्रीनिंग के बारे में पता चलता भाई, तो मुझे तो आई डोंट थिंक नाउ दैट द फिल्म इज रिलीज्ड आई डोंट थिंक एनी मोर स्क्रीनिंग्स, बट आई माइट विजिट अ कपल ऑफ मोर थिएटर्स टू सी पीपल्स रिएक्शंस। ऑफ कोर्स चंदन आई वांटेड टू स्टार्ट विद बिकॉज यहाँ जनता है, तो जनता का इमीडिएट ऑनेस्ट रिएक्शन मिलता, नहीं अच्छी होती तो शायद वहाँ से कुछ यू नो वो चाय वाय के वो ग्लास वास भी आ जाते, बट आई थिंक दे वर लाइकिंग द फिल्म एंड लविंग इट। सो या सो आई विल डेफिनेटली गो एंड सी मोर रिएक्शन। अरे ये तू ये कैमरे ऑफ होने के बाद वाली बात है, तू कैमरे ऑन होने के साथ प्रियंका कौन, प्रियंका मुझे पता है, आई नो शी इज विद निलोफर। मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं आप लोगों को साथ लेके जाऊंगा, और आप लोग भी कभी मुझे भूलना मत। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आवर एंड्रॉइड ऐप मूवी 9 PM।